Welcome third class students in Chalkidge International School. Today I am here to explain a beautiful poem that is named as The Microbe. Its poet is Hilary Belloc. जो ये हमारे poet हैं Hilary Belloc, these are from France. He is known as the French British poet because after some years of his birth they started living in Britain. So he is called as the British French poet. Okay, so we will read his poem The Microbe. That is a beautiful poem. So let's start our poem. Our poem is, first stanza is, the microbe is very small, you cannot make him out at all, but many sanguine people hope to see him through a microscope. The poet is saying that द माइक्रोब इज वेरी स्मॉल, जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, लिटल होते हैं साइज में. यू कैन नॉट मेक हिम आउट एट ऑल मीन्स यू कैन नॉट सी दैम विद योर नेक्ड आइज. आप उनको नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप के, आप उनको नहीं देख सकते. बट मैनी सैंग्विन पीपल होप टू सी हिम थ्रू अ माइक्रोस्कोप. और जो सैंग्विन पीपल होते हैं वो उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं. अब ये सैंग्विन पीपल कौन होते हैं? ये होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुली. ऑप्टिमिस्टिक मीन्स जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है. जो माइक्रो मीन्स बहुत ही छोटा, साइज में बहुत छोटा. तो ये पोइम हमारे माइक्रोब के ऊपर है कि भाई जो माइक्रोब है वो बहुत ही स्मॉल साइज होते हैं, हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. और जो कुछ सैंग्विन मतलब साइंटिस्ट होते हैं हमारे, वो उम्मीद रखते हैं कि वो उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा अच्छे से देख सकते हैं. सो अब हमारा ये साइंटिस्ट भी है, यहाँ पिक्चर दिखा रखी है हमें. देखिए साइंटिस्ट है पिक्चर में और ये माइक्रोस्कोप है हमारा जिसमें ये देख रहे हैं. और इनको ये कैसा नज़र आ रहा है माइक्रोब, ये ऊपर पिक्चर में जो दिखाया है ये ऐसे इनको माइक्रोब नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेकेंड स्टेंजा. एंड बेटा माइक्रोब माइक्रोब को आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप से इस तरीके से, इनका साइज इस तरीके का माइक्रोस्कोप में नज़र आता है. ये हमारा फुल साइज है जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं माइक्रोब्स का. सो और नेक्स्ट स्टेंजा, हिज जॉइंटेड टंग दैट लाइज बीनीथ अ हंड्रेड क्यूरियस रोज ऑफ टीथ, हिज सेवन टफ्टी टेल्स विद लॉट्स ऑफ लवली पिंक एंड पर्पल स्पॉट्स. द पोइट इज सेइंग दैट हिज जॉइंटेड टंग मीन्स जो उसकी टंग होती है वो जॉइंट होती है कहाँ पर, दैट लाइज बीनीथ मतलब बहुत अंदर तक, अंडर तक जाती है, बहुत डीपली वो टाइड अप होती है, जॉइंटेड होती है. अ हंड्रेड क्यूरियस रोज ऑफ टीथ जिसमें बहुत हंड्रेड मीन्स सैकड़ों रोज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है. स्ट्रेंज अनयूजुअल टाइप्स के टीथ होते हैं उसमें, ठीक है. हर एक प्रकार की रोज में जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेंज टाइप के जो टीथ हमारे होते हैं माइक्रोब में, ठीक है, अंदर. और जो उनकी टंग है वो अंडर तक लाई करती है, बहुत डीपली रहती है वो, ठीक है. हिज सेवन टफ्टी टेल्स विद लॉट्स ऑफ लवली पिंक एंड पर्पल स्पॉट्स. हिज सेवन टफ्टी टेल्स मीन्स उसकी जो सेवन टफ्टीड का मीनिंग है यहाँ पर विद हेयर टाइड टुगेदर, मतलब जो उसकी सेवन तरीके की जो टेल्स होती हैं उन पे हेयर जॉइंटेड होते हैं, टुगेदर टाइड होते हैं. ऑफ लवली पिंक एंड पर्पल स्पॉट्स, और उनका जो कलर होता है वो बहुत ही प्यारा होता है, लवली होता है, पिंक एंड पर्पल स्पॉट्स उन पर नज़र आते हैं. और जो ये स्पॉट्स हैं ये टेल्स पर नज़र आते हैं. और ये किस तरीके की होती है जो इसकी टेल्स हैं वो मैंने आपको अभी अभी पिक्चर में दिखाया था. देखिए ये इसकी जो टंग है रेड कलर से ये अंदर तक जाती है डीपली बीनीथ, और जो ये इस प्रकार से पर्पल और पिंक कलर के यहाँ पर हमारे जो ये सेवन टाइप्स की ये हमारी टेल्स नज़र आ रही हैं पिक्चर में, ठीक है. यू कैन काउंट ऑल्सो दैम, दीज आर द सेवन इन नंबर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा. थर्ड स्टेंजा इज ऑन ईच ऑफ विच अ पैटर्न स्टैंड्स कंपोज ऑफ 40 सेपरेट बैंड्स, हिज आईब्रोज ऑफ अ टेंडर ग्रीन, ऑल दीज हैव नेवर येट बीन सीन. ऑन ईच ऑफ विच मीन्स प्रत्येक पर. अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? टेल्स की बात हो रही है, जो अभी अभी उन्होंने हमें बताया ना कि हिज सेवन टफ्टी टेल्स विद लॉट्स ऑफ लवली पिंक एंड पर्पल स्पॉट्स सेकेंड स्टैंजा में. ऑन विच ईच ऑफ विच अ पैटर्न स्टैंड मतलब प्रत्येक पर कोई ना कोई डिफरेंट टाइप का जो पैटर्न है वो लगा हुआ होता है डिफरेंट टाइप्स का. कंपोज ऑफ 40 सेपरेट बैंड्स, और लगभग ये 40 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की बैंड से मिल करके कंपोज होता है, बनता है क्या? टेल्स, ठीक है.
हिज आईब्रोज ऑफर टेंडर ग्रीन, और जो उसकी आईब्रोज होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट ग्रीन कलर की होती हैं और सॉफ्ट होती हैं, बिल्कुल टेंडर होती हैं, सॉफ्ट। ऑल दीज हैव नेवर येट बीन सीन, और इनको आज तक किसी ने भी नेक्ड आई से नहीं देखा है। ऑल दीज हैव नेवर येट बीन सीन, मतलब इनको किसी ने नेक्ड आई से नहीं देखा है। व्हाट इज़ द पोइट सेइंग इन दिस पैराग्राफ? ऑन ईच ऑफ विच अ पैटर्न स्टैंड, मतलब प्रत्येक टेल पर कोई ना कोई पैटर्न होता है। कंपोज ऑफ 40 सेपरेट बैंड्स, और उनमें लगभग 40 टाइप्स की बैंड्स होती हैं। हिज आईब्रोज ऑफर टेंडर ग्रीन, और जो उसकी आईब्रोज होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं और टेंडर होती हैं, मीन्स सॉफ्ट होती हैं। ऑल दीज हैव नेवर येट बीन सीन, और इनको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, सीन नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है फोर्थ। बट साइंटिस्ट हु ओट टू नो अश्योर अस दैट दे मस्ट बी सो, ओ लेट्स नेवर नेवर डाउट व्हाट नोबडी इज श्योर अबाउट। व्हाट इज द पोइट सेइंग इन दिस स्टेंजा? बट साइंटिस्ट मीन्स जो साइंटिस्ट हैं, हु ओट टू नो मतलब जो हमेशा प्रयासरत रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, दे आर ट्राइंग दैट विच टाइप ऑफ माइक्रोब आर दे, वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि किस तरीके के जो ये माइक्रोब्स हैं ये होते हैं। अश्योर अस दैट, हमें सुनिश्चित करना चाहते हैं, से सर्टेनिटी के साथ वो से करते हैं, हमें बताते हैं, श्योर करते हैं हमें कि ये ऐसे हो सकते हैं। मस्ट बी श्योर मतलब जिस तरीके का इन्होंने अभी हमें पैराग्राफ में बताया ना कि इस तरीके के होते हैं ये। ओ लेट्स नेवर नेवर डाउट, हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए, हमें कभी डाउट नहीं करना चाहिए। व्हाट नोबडी इज श्योर, वास्तव में तो श्योर हम किसी भी बात के लिए नहीं होते हैं, किसी भी थिंग के लिए वी आर नॉट श्योर अबाउट एनी थिंग ओके इन दिस अर्थ। सो द साइंटिस्ट आर सेइंग दैट कि हम हमेशा जानने के लिए प्रयासरत रहते हैं, कोशिश करते हैं, दे आर ट्राइंग एंड अश्योर करते हैं हमें कि वो इस तरीके के होंगे, और वो किस तरीके के होंगे जो अभी अभी हमने देखा था इनको पैराग्राफ में। किस तरीके का पैराग्राफ था हमारा, किस तरीके का था हमारी पिक्चर वो, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर हमारी वो, ये देखिए इस तरीके की पिक्चर वो हमें साइंटिस्ट शो करते हैं कि इस तरीके की जो ये पिक्चर है, ये जो माइक्रोब है हमारे इस तरीके के होते हैं। ओके, तो इस तरीके के हमारे जो ये माइक्रोब हैं वो होते हैं। सो अभी हमने स्टूडेंट्स किया फर्स्ट स्टैंजा किया, सेकंड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा, जो भी हमने इसमें दिए हैं। ठीक है, माइक्रोब बहुत स्मॉल होते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, साइंटिस्ट उनको माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं और इस तरीके के वो हमें नज़र आते हैं। आफ्टर दैट सेकंड स्टैंजा में हमने किया कि जो उनकी टंग है वो बहुत अंडर डीपली होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की 100 टाइप्स ऑफ रोज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, और 7 टाइप की उनकी टेल्स होती हैं जिन पर लवली और पर्पल कलर के स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, थर्ड स्टैंजा में कहा कि भाई जो पैटर्न है उनका अलग अलग होता है, 40 सेपरेट बैंड से वो मिलकर बने हुए होते हैं, 40 अलग अलग टाइप्स की बैंड्स होती हैं, और हिज आईब्रोज का कलर उनका टेंडर होता है, ग्रीन होता है, सॉफ्ट भी होती हैं और वो ग्रीन कलर की होती हैं। उसके बाद उनको आज तक किसी ने नहीं देखा है। फोर्थ स्टैंजा में हमें बोला गया बट साइंटिस्ट हु ओट टू नो, मतलब साइंटिस्ट हमेशा इनको जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, बट हमें कभी भी किसी पर डाउट नहीं करना चाहिए। और ये क्या है कि हम जो अर्थ पे कोई भी चीज़ें होती हैं बेटा, हम उनके लिए श्योर नहीं होते कि किस तरीके की वो चीज़ें होंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, सो इट इज़ आवर पोइम विच वी हैव कंप्लीटेड, सो रिवाइज इट केयरफुली एंड वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल पोइम। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, टेक केयर।